कानपुर इटावा के बीच रूरा स्टेशन पर सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 13 स्लीपर के डिब्बे और दो जनरल कोच, कुल 15 कोच डिरेल हो गए सुबह 5:30 बजे। ये बहुत ही दुखद है, हमें बहुत ही खेद है। घायल, इसमें टोटल जो घायलों की संख्या है वो 43 है, जिसमें 30 कानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती हैं और करीब 14 लोगों को कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। और डेथ इसमें कोई नहीं है। अभी हमने जो पुलिस की टीम है और सारे लोगों ने अभी हमें जो कंफर्म किया है, वो इसमें कोई डेथ नहीं है, केवल घायल हैं। घायलों की संख्या 44 है। जहाँ तक रूट की बात है, ये कानपुर गाजियाबाद रूट बंद हो गया है, अप डाउन दोनों तरफ से। इस हादसे की वजह से गाड़ियों को गाजियाबाद से मुरादाबाद लखनऊ होके डाइवर्ट किया गया है। जिन्हें कोलकाता और कानपुर की तरफ आना था गाड़ियों को, जिन्हें दिल्ली की तरफ जाना था, उनका भी वाया झांसी और दूसरे रूट लखनऊ होकर के डाइवर्जन किया गया है। शताब्दी जो कानपुर की थी, उसे कैंसिल किया गया है। और ये फर्दर अपडेट जारी रहेगा गाड़ियों के कैंसिलेशन का, क्योंकि रेस्टोरेशन के लिए हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो वहाँ दोनों तरफ से पहुँच चुकी है। मेडिकल रिलीफ हमारी बहुत टाइमली पहुँच गई थी, वहाँ से घायलों को जिला अस्पताल में सिविल प्रशासन की मदद से पहुँचाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस समय, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, DRM इलाहाबाद, GM, AGM, रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल्स भी रवाना हो चुके हैं। काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी साइट पर हैं, डॉक्टर्स हमारे हैं, और रेस्टोरेशन का काम बहुत तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर आई थी कि गार्ड को चोट आई है, लेकिन गार्ड का जो कोच था वो रेलवे पटरी पर था, वो डिरेल नहीं हुआ है। बस झटके की वजह से उनको हल्का फुल्का कुछ हुआ था, कोई बट इंक्वायरी भी सेटअप हो गई है? इंक्वायरी बिल्कुल सेटअप होगी। और इसमें जो भी मैंडेटरी नॉर्म्स है, उस हिसाब से हमारे जो एविडेंस हैं उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है, स्केच बनाई जा रही है, फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, और सारी चीज़ों को ले करके एक हमारी जो टीम होगी, वो जिस तरीके, जिस भी लेवल की जांच, जो सीनियर ऑफिसर्स की जांच का लेवल होगा, उसके हिसाब से जांच एक की कंफ्यूजन जाएगी। ये हो गई है। वो उसका मैं खंडन करता हूँ। उन्हें PTI की तरफ से कहीं से खबर ये चली थी, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है मृतकों की, और हमारे पास कोई सूचना अभी तक नहीं है। हमारे मंडल रेल प्रबंधक, मंडल चिकित्सा अधिकारी कानपुर, जी सभी लोगों ने अभी तक कहीं से भी कोई मरने की घटना की पुष्टि नहीं की।